हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें आपको थ्री नंबर्स में से ग्रेटेस्ट निकालना है। प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटेस्ट आउट ऑफ थ्री नंबर्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इसमें हम सबसे पहले दो हेडर फाइल लिखते हैं, हैस इंक्लूड iostream.h एंड हैस इंक्लूड conio.h। जब टीचर सर के ऊपर आके खड़ा हो जाए और कहेगी प्रोग्राम बनाओ, तो फिर लिखने लग जाया करो, हेडर फाइल लिख दिया करो, हर एक प्रोग्राम में आएंगी। दो हेडर फाइल लिख दी, उसके बाद में वॉइड मेन लिखना है, हर एक प्रोग्राम में नेसेसरी होता है। कहीं पे इंट मेन वगैरह लिखते हैं तो आपको बस लिखना है कि कोई भी फंक्शन लिख दो, इंट मेन लिख दो या फिर वॉइड मेन लिख दो। फिर उसके बाद में आपको इंट ए बी सी यानी कि थ्री नंबर्स लेने हैं, यानी कि थ्री वेरिएबल लेंगे तभी तो थ्री नंबर्स को इनपुट कराएंगे। हमें थ्री में से एक ग्रेटेस्ट निकालना था तो हम इसमें थ्री वेरिएबल्स ले रहे हैं, ए बी एंड सी। फिर हमने आउट मीन्स स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। फिर सी इन ए बी सी, इसमें हमने ए बी एंड सी तीनों को इनपुट करा दिया, तीनों की वैल्यू को इनपुट करा दिया वेरिएबल्स की। इसमें आप लिखने का तरीका देख लो, इसमें हमने कैस्केडिंग कर रखी है, मीन्स एक साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स लगा रखे हैं एक ही लाइन में, तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए जिससे टाइम भी कम लगे और स्पेस भी कम यूज हो। देन उसके बाद में हमने कंडीशन लगा दी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो फिर जो ब्रैकेट के अंदर हमने नेक्स्ट कंडीशन लिख रखी है वो होगी। इसमें ये जो प्रोग्राम है इसको हम दो तरीके से ले सकते हैं, हम नेस्टेड इफ के प्रोग्राम को भी इसी तरीके से बनाएंगे। कोई कहे कि नेस्टेड इफ का एग्जांपल हो तो भी यही बनाना है, और कोई यूं कहे कि आप ग्रेटेस्ट आउट ऑफ थ्री नंबर निकाले तो भी यही प्रोग्राम लिखना है। फिर हम जो इफ में कंडीशन लगाई थी उसमें ही हम आगे नेक्स्ट कर रहे हैं। उससे पहले आप अपने फ़ोन को थोड़ा रोटेट कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंट किया था वो थोड़ा रोटेट स्क्रीन पे कर दिया, दैट्स व्हाई आपको फ़ोन रोटेट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर जो हमने कंडीशन लगाई थी इफ ए इज ग्रेटर देन बी, उसके ब्रैकेट में हमने दूसरी कंडीशन डाल दी, इफ ए इज ग्रेटर देन सी, अगर ए बी से बड़ा हुआ तो फिर ये इस कंडीशन को भी फॉलो करना जरूरी होगा अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर आता है तो। इफ ए इज ग्रेटर देन सी देन सी आउट ए, फिर हम ए को ही इनपुट करा देंगे क्योंकि फिर ए बी से भी बड़ा हो जाएगा और सी से भी बड़ा हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, ए, एल्स सी आउट सी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सी आउट सी यानी सी ग्रेटेस्ट के लिए प्रिंट हो जाएगा। एल्स इफ, इसमें हमने नेस्टेड इफ को भी साथ में शो किया है, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ ऑल्सो, तो इसमें हम एल्स इफ लिखेंगे तो बी इज ग्रेटर देन सी, अगर मान लो ए बी से बड़ा नहीं है तो फिर इस ब्रैकेट के कर्ली ब्रैकेट के क्लोज होने के बाद वाले स्टेटमेंट को यूज करेंगे, इसमें बी बड़ा हो जाएगा सी से तो फिर क्या प्रिंट होगा, बी, सी आउट बी, यानी कि बी सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो जाएगा फिर बी, एल्स सी आउट सी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर सी प्रिंट हो जाएगा, मीन्स ग्रेटेस्ट सी हो जाएगा। देन गेट सी एच, मीन्स लास्ट में हमें रिजल्ट गेट हो तो फिर उसके लिए हम गेट सी एच यूज़ कर रहे हैं, देन प्रोग्राम एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखें ना तो फिर ये इतना हार्ड नहीं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक ए को पहले दोनों से कंपेयर कराना है, अगर ए बड़ा आता है तो फिर ए प्रिंट करवा दो, और अगर ए छोटा आता है तो फिर बी से कंपेयर करवा दो, और फिर अगर बी बड़ा आया तो बी को प्रिंट करवा दो, अगर ए बी और सी दोनों से छोटा है तो फिर ए प्रिंट हो जाएगा। ऐसे इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा भी समझें ना तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है। फिर इसको करने के लिए आपको बस नेस्टेड इफ, थोड़ा सा इफ आना जरूरी है और उसमें कुछ भी नहीं है इतना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको किसी और टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए तो फिर आप मुझे कॉमेंट में बता देना, मैं डेफिनेटली आपको उसकी वीडियो दे दूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगा हो कि हमारे चैनल पे आपको काम की वीडियो मिलती है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।